अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश में जल शक्ति मिशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के लिए बनाई गई योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है और जल जीवन मिशन में जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया है उसमें हिमाचल सरकार की भागीदारी नामात्र की है। वहीं केंद्र सरकार ने जितना भी पैसा इस योजना के तहत दिया है वह 2021 तक के लिए दिया गया है, लेकिन जल शक्ति विभाग ने जल्द से जल्द इस पैसे को की दौड़ लगाई है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को यह पता नहीं है कि हिमाचल में पहाड़ियों पर गांव बसे और यहां पानी के सोर्स बहुत कम हैं और जल जीवन मिशन के तहत जहां पर 200 नल थे वहां 1000 नल लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन उन नलों में पानी देने के लिए किसी ने सोर्स तक नहीं देखा है और धांधली होती जा रही है। इस मिशन के तहत लगाई जाने वाली पाइपें आधी जल शक्ति विभाग की हैं और आधी ठेकेदारों की हैं। इनकी गुणवत्ता कौन चेक करेगा यह भी किसी को मालूम नहीं है। वहीं जल शक्ति विभाग ही इस काम में ठेकेदार बन गई है। जो पाइपें जल शक्ति विभाग कंपनी से लेकर खुद जमीन में दबा रहा है, बाद में उन्हीं पाइपों को जल जीवन मिशन में लगे ठेकेदार द्वारा यह काम किया गया है, ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ दो ही कंपनियां जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं और यह दोनों कंपनियां पंजाब राज्य की हैं, जिससे यह भी प्रश्न उठता है कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी ठेकेदार नहीं है जो इस काम को कर सके और उनके विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ के लगभग काम भी इन्हीं कंपनियों को दिया गया है, जो किसी को 100 पाइपें दे रही है तो किसी को 50 पाइपें और टारगेट फिक्स करके रोज नल लगाए जा रहे हैं। दोनों कंपनियों के ठेकेदार हिमाचल प्रदेश को लूट रहे हैं और इसमें जल शक्ति विभाग को भी एक पार्टी बनाकर गलत किया जा रहा है। गर्मियों के दिनों में इन नलों में पानी तक नहीं आएगा क्योंकि इतना पानी है ही नहीं, इसलिए जब पानी का कोई सोर्स ही नहीं है तो नल लगाकर रिकॉर्ड क्यों बनाए जा रहे हैं। जीवन मिशन के बारे में मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन का जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है उसमें भागीदारी प्रदेश सरकार की भी है, पर वो बिल्कुल नाम मात्र की है। पर ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ लगाई है डिपार्टमेंट ने कि जल्दी से जल्दी इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए। जो पैसा मिला है ये 2021 तक का पैसा है कि यह इतने समय में जो है वो नलकों की संख्या बताई गई है कितने नलके लगने हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं है कि ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी है, पहाड़ों के ऊपर जो है वो गांव बसे हैं। जो स्कीमें बनाई गई है वो स्कीमें बड़े कठिन जो है वो टेरिन है जिसके ऊपर ये स्कीमें बनाई गई है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से JJM के थ्रू ये जो नलके लग रहे हैं, ये नलके लग रहे हैं कि जहाँ पे 200 नलका था वहाँ पे 1000 नलके जो है वो और जुड़ गए और वहाँ पे पानी है नहीं, सोर्स किसी ने देखा नहीं और सारे का सारा जो है ये धांधली बाजी चली हुई है। पाइपें जो है कुछ डिपार्टमेंट की पाइपें हैं, कुछ पाइपें जो है वो ठेकेदारों को भी कहा गया तुम भी खरीद के ले लो, उसकी गुणवत्ता कौन देखेगा किसी को कोई मालूम नहीं है। और आज तो मैं कहना चाहूँगा कि IPH डिपार्टमेंट ही ठेकेदार बन गया हुआ है। जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उस कंपनी से पाइपें लेके दबाई जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा और वही नलके जो है वो शो किए जा रहे हैं कि JJM के द्वारा ये जो ठेकेदार हैं इन ठेकेदारों के द्वारा ये काम किया गया है। दो कंपनियां हैं पंजाब की जो पूरे हिमाचल प्रदेश में वही काम कर रही है, उससे मैं कहूंगा और भी प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो रहे हैं कि कारण क्या है कि कोई भी ठेकेदार नहीं है हिमाचल प्रदेश का जो इस काम को कर सकें और केवल ये जो पंजाब की और जो यहाँ से चंडीगढ़ की जो कंपनियां हैं ये दो कंपनियां काम कर रही हैं और हमारा तो ये कोई 16-17 करोड़ रुपए का काम है ये उस कंपनी को दे रखा है। कोई 100 पाइपें मांग रहा है तो 100 पाइपें जा रही हैं, कोई 50 मांग रहा है तो 50 जा रही है, कईयों को 3-3 पाइपें भी नहीं मिल रही है। और ये जो जैसे मान लो किसी ने नलके लगवाने हैं तो उनके फार्म भी अपने आप ही भरवा रहे हैं और फार्म भरवा के टारगेट दे रखा है ENC ऑफिस से कि भाई ऊपर से जो है ना वो कह रहा जा रहा है कि जो 500 जो है वो नलके लगा दो, कोई 1000 नलके लगा दो, उसकी रोज जो है वो उसकी सूचना जो है वो प्रदेश लेवल को भेजी जाती है।
और मैं ये कहना चाहूंगा जिस ढंग से ये चला है उस ढंग से मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, आप मेहनती है सब कुछ है लेकिन ये जो हो रहा है और जो ये दो बड़े बड़े ठेकेदार हिमाचल प्रदेश को लूट रहे हैं और उसमें उस लूट घसूट में जो है वो डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाया गया है और उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा गलत हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि भाई गर्मियों के दिनों में पानी नलकों में नहीं आएगा क्योंकि इतना तो पानी नहीं है, तो जब सोर्स नहीं है तो आप नलके लगा के ये रिकॉर्ड क्यों बनाना चाह रहे हैं। ये मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है और सरकार से निवेदन यह है कि इस प्रकार की धांधली को तुरंत रोका जाए। पीआरटीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर।